आप भी अपना कोई नया कारोबार, नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प लाए हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मदर डेयरी की। मदर डेयरी के बारे में आप सबने सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि मदर डेयरी की फ्रेंचाइजी जिन लोगों ने भी ली हुई है, जाहिर तौर पर उनको नुकसान तो नहीं भरना पड़ता और दुकानों में भीड़ लगी रहती है। तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि फूड एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने फ्रेंचाइजीज ऑफर की हैं और आप भी ये फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको हम बताएंगे कि आप किस तरह से मदर डेयरी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट। वैसे लॉस तो कम ही होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले दिन से ही आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। डेयरी प्रोडक्ट के बिजनेस में पहले दिन ही कमाई होना शुरू हो जाती है। मदर डेयरी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए मदर डेयरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मार्जिन काफी इंपॉर्टेंट है। पहले साल में ही इन्वेस्टमेंट पर 30% रिटर्न मिल सकता है और इन्वेस्टमेंट की पूरी रकम निकलने में आपको लगभग 2 साल का समय लग सकता है और हर महीने में आपको लगभग 44,000 रुपये का फायदा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें हैं फ्रेंचाइजी के टाइप्स क्या हैं। मदर डेयरी मिल्क बूथ फ्रेंचाइजी। मिल्क बूथ फ्रेंचाइज मॉडल में कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसमें दूध, दही, पनीर और आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं। मदर डेयरी आइसक्रीम फ्रेंचाइजी। आइसक्रीम फ्रेंचाइजी लेने पर आप सिर्फ एक आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हाल ही में कंपनी ने पहली बार बेकरी सेगमेंट में भी उतरने की प्लानिंग की है। कंपनी ने 3 तरह के ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, कंपनी मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट और दूसरे खाद्य प्रोडक्ट बनाती और बेचती है। डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा भी कंपनी फल, सब्जियाँ, खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ, अचार, फ्रूट जूस जैसे चीज़ें बनाती है। आपको बता दें कि कंपनी के पास इस वक्त करीब 2500 रिटेल आउटलेट हैं। अब सवाल कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखिए, इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये इन्वेस्टमेंट आपकी जगह और लोकेशन के हिसाब से भी ज़्यादा या कम हो सकती है। अगर आपके पास पहले से ज़मीन है तो कुछ पैसे बच जाएंगे, अगर नहीं तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा और फेमस ब्रांड है इसलिए आपको इसमें कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसमें ब्रांड फीस के तौर पर 50,000 रुपए अलग से देने होंगे। हालांकि कंपनी किसी तरह की रॉयल्टी फीस नहीं लेती। अब आप कुछ भी काम कर लें उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तो बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी आपको लगाने पड़ेंगे। आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, इसके साथ ही बैंक अकाउंट डिटेल, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और एनओसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, किस पर इन्वेस्ट किया जाए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन आप देखते होंगे अपने इर्द गिर्द जहाँ भी मदर डेयरी है वहाँ पर भीड़ काफ़ी जमा रहती है। तो ऐसे में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा है तो आप आइसक्रीम पार्लर का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आपके पास फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का तो ऑप्शन है ही। तो चलिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए, तमाम अपडेट आपको मिलता रहे और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।